वेलकम बैक नाज़रीन जी। रजा साहब, मैं कह रहा था कि मीडिया उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो मेजर जनरल DGISPR ने ये कहा कि अगर 1971 में मीडिया एक्टिव होता या इतना आज़ाद होता तो शायद पाकिस्तान इस तरह दो हिस्से इसके ना होते। तो आप क्या समझते कि मीडिया की अगर इतनी ताकत है तो पिछले 30 साल की जो ये सियासत की बदहाली है और ये जो इतनी करप्शन है, जो इतने मामलात हैं, ये क्या मीडिया ठीक कर सकता है या मीडिया इसमें अपनी आवाज़ बुलंद कर सकता है, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है? देखिए साहब, मीडिया का किरदार यकीनन मिला जुला ही होता है, लेकिन इसमें ये बात यकीनन एक उम्मीद की किरण है कि मीडिया की जो एवोल्यूशन है, खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर में मीडिया आने के बाद पिछले 15-17 सालों के दौरान जो मीडिया की एवोल्यूशन है, उसका ही ये शायद नतीजा है कि आज पब्लिक में इस हद तक अवेयरनेस तो बहरहाल आ गई है कि अब वो खुल के अपनी सियासी जमातों को या सियासी रहनुमाओं को क्रिटिसाइज करना शुरू हो गए हैं, उनसे सवाल पूछना शुरू हो गए हैं। और अब तब्दीली का ये सफर है, जाहिर है मुल्कों की सतह पे जो तब्दीली का पहिया है वो आनन फानन नहीं घुमा करता। तब्दीली का पहिया के साथ मईशत का पहिया भी घूमना चाहिए। मईशत का पहिया घूम रहा है, लेकिन बदकिस्मती से उस डायरेक्शन में नहीं घूम रहा जिसमें उसको घूमना चाहिए। तो वो उसके जो मसाइल हैं वो सियासत से जुड़े हुए हैं, मईशत और सियासत ये जुड़े हुए हैं आपस में। वो आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि नैब और मईशत आपस में जुड़ी हुई है, नैब और मईशत आपस में जुड़ी हुई है, बिल्कुल जुड़ी हुई है। और उसकी वाजे वजह ये है कि अगर जरदारी साहब इस हीट फील कर रहे हैं जी, तो उनकी सियासत, उनकी सियासी जमात, उनकी पार्टी का जो मरकज व महवर है इस वक्त, वो एक तहरीक है, और वो तहरीक ये है कि वो किसी तरीके से नैब के केसेस से उनके लिए आसानियां पैदा हो जाए। इसके अलावा उनकी जो जमात है वो सिंध सूबे में लगातार तीसरी मरतबा हुकूमत में है, 10 साल वो हुकूमत कर चुके हैं, लेकिन सिंध हुकूमत के बारे में किसी सवाल का जवाब देना पसंद नहीं करते। आप उनसे कोई पर्टिनेंट सवाल भी अगर पूछें तो वो घूम फिर के बात को वहीं पे लेके आ जाते हैं कि जनाब नैब ज्यादती कर रहा है और हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है वगैरह वगैरह। तो ये सियासत और मईशत और नैब ये तीनों, अब ये तीनों भी एक लाइन में आ गए। बड़े साहब, आप ये बताएं कि इतनी हाइप क्रिएट होती है, आप बंदों को पकड़ते हैं, हाई प्रोफाइल लोगों को पकड़ते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को पकड़ते हैं, बड़े बड़े सियासतदानों को पकड़ते हैं, लेकिन जब अदालतों के पास केस जाते हैं तो अदालतें उनको जमानतें दे देती हैं, उनको बरी कर देती। तो क्या प्रोसिक्यूशन की कमजोरी है, इन्वेस्टिगेशन की कमजोरी है, या नैब के कानून में या दूसरी जो एजेंसी के कानून में कोई कमजोरी है? देखिए जी, ये लोग क्यों शोर मचा रहे हैं जी कि हमें पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया जा रहा है और नैब ये सर, ये तो सियासी भी हो सकता है ना, क्योंकि बाद में उनको पता है कि हो सकता है अदालतें उनको रिहा कर दें अदम सबूत की बुनियाद पर। जी जी, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ ना, इसलिए कि ये लोग तमाम जो इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां से ये एविडेंस शहादत गायब करते हैं जी। आपको याद है कि वाजिद शमसुल हसन ने जनीबा में क्या किया, गाड़ी में क्या चीज भर के ले गया जी? आपको याद है कि जो नैब में इनका रिकॉर्ड था वो कहाँ गया है? तो यानी कि साल आ साल मुकदमा चलता है, वो कहते हैं जी हमारे पास तो एविडेंस कौन, तो अदालत किस नहीं, तो पहले एविडेंस इकट्ठी करें ना, उसके बाद जाके बंदे को पकड़ेंगे, पहले बंदे को पकड़ दें फिर जाके एविडेंस ढूंढ दें। जहाँ पे मेरे ख्याल में कानून शहादत भी ऐसा है कि जो हुकूमती इदारे हैं उनके एविडेंस में, ये तो आपको लॉयर कोई बता सकता है, मेरा जहाँ तक नॉलेज है वो ये है कि कानून शहादत के अंदर जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी शहादत जो है वो मानी जानी चाहिए हतमी तौर पे, जो कि नहीं मानी जाती। तो ये लोग बच जाते हैं, लोग चाहे गोया करते हैं। देखिए, लोगों का ये भी ख्याल है, मैं किसी को एक्यूज नहीं कर रहा, मैं किसी इदारे को एक्यूज नहीं कर रहा, लेकिन लोगों का ख्याल है कि लोगों को पैसे देते, रिश्वत दे देते हैं, छूट जाते हैं, मतलब है, अब जमानत तो होगी, खलाना हो गया। ये बताइए कि ये क्या ये मानने के लिए कोई जी अकल जी शऊर आदमी तैयार है कि ये जो इतने पाक साफ है, दूधो नहाए हुए हैं, ओके, ये इन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन इनको कभी आज तक सजा नहीं हुई। देयर इन्वॉल्वड इन मर्डर, होता ये है, होता ये है कि हुकूमत जो है वो पहली अदालत एक लगा लेती है, वो खुद ही शुरू हो जाती है, इन्होंने ये पैसे भेजे, वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एविडेंस है, वो तो बड़ी कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, जब उसको पहली पब्लिक कर देंगे, लोगों के सामने ले आएंगे, तो उसका फायदा क्या होगा? फिर से बहुत कम जुर्म अगर आप करें जो वेस्टर्नाइज सिविलाइज सोसाइटीज हैं जी, तो आपकी सियासत क्या, आपका हर चीज खत्म हो जाएगा, एंड यू आर विल बी ऑफ द एयर, आपको कोई जाने मानेगा नहीं जी। आप अंदाजा करें ना कि जर्मनी के अंदर या बर्तानिया के अंदर या इंग्लैंड के अंदर ऐसे सियासतदान चल सकते हैं, या उनका कोई आदमी यहाँ पे आके बैठा हुआ है? निजाम की मजबूती है ना, उन्होंने सिस्टम डेवलप किए हैं। देखिए, हमने हमारा जो किरदार है ना जी,
انسٹیٹیوشنل کردار ہے یا جمہوری کردار اس کو کہہ لو, وہ بہت زیادہ کوشچنیبل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو, ہر ادارے کو امپروو کرنا پڑے گا اور دنیا کو بتانا پڑے گا کہ ہم ویسے نہیں ہیں جیسی ہماری کارکردگی رہی ہے. اس کو ہمیں ریکور کرنا ہے, اس سے ہمیں شرمسار ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے, ہم نے اداروں کے ساتھ کیا کیا ہے. جو آپ گورنمنٹ کے دفتر میں چلے جائیں ایز اے شہری, آپ کسی کو جا کے اپنا کیس یا فائل یا ٹیکس والے کے پاس چلے جائیں, کسی کے پاس اس کا بیہیویئر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ اس کے سبجیکٹ ہو, جیسے آپ اس کے متحت ہو, اور یہ آپ کے اوپر حکمرانی کرنی, وہ آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, مطلب اس کا ایٹیچیوڈ ہے. پولیس کو چھوڑے, آپ کسی جگہ پہ چلے جائیں. جی آپ کو کیسے ٹھیک ہوگا سر, آپ بتائیں اس کا سولوشن, بتائیں کیسے ٹھیک ہوگا. سب سے پہلے تو یہ ہے جی کہ پاکستان کے لوگوں کو اپنی قسمت اپنے ہاتھ میں لینی پڑے گی, ان کو جاگنا پڑے گا. ہاں, ایجوکیشن ضروری ہے, میں مانتا ہوں, لیکن پاکستان انتظار نہیں کر سکتا کہ جی پاکستان میں 100% ایجوکیشن اگلے 100 سال آپ جا رہے. لیکن یہاں پہ یہ اتنا زیادہ پھوڑا یہ ناسور ہو چکا ہے کہ اس کو سرجری کی ضرورت ہے. اور جو الٹیمیٹ دے ہیو ٹو کم انڈر دی نائف, یہ جو ناسور ہے اس کو ہمیں آپ کو باہر نکال کے پھینکنا پڑے گا. اور پاکستان کی ٹانگوں میں جو ٹنگا پڑا ہوا ہے ان لوگوں کا, ان خاندانوں کو, ان سے جان چھڑانی پڑے گی. بالکل. اور ان کو ادھر ڈالنا پڑے گا جہاں پہ یہ بلانگ کرتے ہیں, ان کو ختم کرنا پڑے گا. پکڑنے والے بھی وہی ہیں, چھوڑنے والے بھی وہی ہیں. ایک ہی حکومت پکڑتی ہے, ایک حکومت چھوڑتی ہے. بھائی جی وہی لوگ ہیں سر, ابھی بھی اس حکومت میں دیکھ لیں, اسی حکومت میں وہی لوگ ہیں. یا تو ان کو سیاسی نظام اور ادارے ختم کریں, یا پھر انتظار کریں کہ کوئی اور آ کے ان کو دنیا میں کرے گا. جی میں نظام کی تبدیلی کی بات پہ آپ پہ آتا ہوں. رضا سید صاحب, یہ مجھے بتائیے کہ انگلینڈ, اور یہ جو آپ کا سوال ہے نا, آئی ایم سوری ٹو سے, اس کے اندر ایک بہت بڑا سبق مضمر ہے کہ آپ بھی تلاش کر رہے ہیں, قوم بھی تلاش کر رہی ہے کہ اب اس ناسور کا کرے گا کیسے جان چھڑائیں, سرجن کہاں سے لے کے. اور ہم اسی کے ساتھ ہیں کہ نہیں یہ جمہوری پارٹی ہے, نہیں یہ فلانا ہے, نہیں یہ ٹنگڑا ہے. وہ چھوڑو بھائی, جو غلط ہے اس کو غلط کو اس کو دھکیلو, پرے کرو اور آگے چلو. بالکل. رضا صاحب آپ یہ بتائیں مجھے کہ انگلینڈ میں کہتے ہیں کہ جو جمہوری نظام میں بہتری آئی وہ شعور اور تعلیم کی وجہ سے آئی. دنیا کے 200 ممالک ہیں, اگر 190 ممالک میں سے 120 ممالک میں پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہے. ابھی ٹیپو سلطان صاحب نے جو بات کی کہ جناب کیپیسٹی بلڈنگ, ان کو مورال, مجھے یہ بتائیں انسٹیٹیوشنل بلڈنگ, مورل بلڈنگ, کیپیسٹی بلڈنگ, کیپیبلٹی بلڈنگ, ایٹیٹیوڈ بلڈنگ, سر یہ کون سا اسکول کھولیں گے آپ, کون سے پروفیسر لائیں گے آپ, کون سے ٹیچر لائیں گے آپ, کون سے والدین لائیں گے آپ, اور کون سے بچے وہ لائیں گے آپ جو یہ سب سیکھیں گے, جبکہ آپ کا نظام ہی سارا جو اسمبلیوں میں بیٹھا ہوا ہے وہ وہاں جائیں تو اس طرح لڑتے ہیں کہ جیسے سڑکوں پہ چوراہوں پہ لوگ نہیں لڑتے جیسے وہاں پہ لوگ لڑ رہے ہیں. جی نہیں صدیقی صاحب, اس میں بڑی دلچسپ بات ہے. آج سے 30 سال پہلے جی زمانہ طالب علمی تھا ہمارا پاکستان میں, 1988 میں ضیاء صاحب کے طیارے حادثے کے بعد, 1988 میں الیکشن ہوا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوئی جو کہ اگلے کوئی 1.5 سال کے اندر وائنڈ اپ بھی ہو گئی. اب آپ اس زمانے میں ہم اسٹوڈنٹس تھے, ہمیں یہ بتایا گیا جب ہم نے سوال اٹھایا کہ جی یہ اس وقت کی پرائم منسٹر کے جو ہسبینڈ ہیں یہ مسٹر 10% کہلاتے ہیں, بالکل, تو یہ جمہوریت کے اندر کیا ہو رہا ہے, تو ہمیں یہ جواب دیا گیا اس وقت, آج سے 30 سال پہلے ہمیں یہ جواب دیا گیا ہمارے اساتذہ کی طرف سے کہ جناب یہ ایولیوشن ہوگا, اس کا آپ دیکھیے گا آہستہ آہستہ جو اس طرح کے عناصر ہیں وہ فلٹر آؤٹ ہو جائیں گے اور جمہوریت کو چلنے دیا جائے اور دیکھیں اس کے بعد. سر آج 30 سال گزر چکے ہیں جس میں سے 27 سال اس ملک میں پارلیمنٹ رہی ہے, اور آج وہ جو 10% کہلاتے تھے 30 سال پہلے آج وہ 100% ہو گئے, اور الحمدللہ وہ اتنے طاقتور ہیں کہ ان کی مرضی اور ان کی منشا سے پرندہ پر مارتا ہے یا نہیں مارتا اس کا فیصلہ ہوتا ہے. تو یہ 30 سال آپ نے اس نظام کو چانس دے کے دیکھ لیا اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے یہ آیا کہ اس وقت اگر برائی 10% پہ تھی تو وہ برائی اب 100% پہ آ چکی ہے. تو اگر آپ نے مزید اس نظام کو لے کے چلنا ہے تو بسم اللہ آپ کی مرضی ہے, آپ کی چوائس. آپ یہ بتائیے گا کہ انہوں نے تو نظام کی تبدیلی کا ہی اندیا دے دیا. آپ یہ بتائیں کہ یہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ یا یہ جو ہم جس فارم آف گورنمنٹ میں ہیں, ابھی نئی گورنمنٹ آئی ہے, اس کو 1 سال تقریباً ہونے کو ہے, 9 مہینے ہو گئے ہیں, ان کی بھی جو روش ہے یہ بے شک نیت اچھی ہے,
बेशक लोग अच्छे हैं, बेशक सोच अच्छी है, लेकिन जिस पटरी पे ये ट्रेन चल रही है उस पटरी में जान नहीं है। नहीं, वो नहीं बचा सक रहा ना जी। देखिए हाँ, बात ये है कि ये निजाम ऐसा है कि ये प्रोटेक्ट करता है करप्शन को, करप्शन को प्रोटेक्ट करता है। बड़ी जबरदस्त बात की आपने, ये प्रोटेक्ट करप्शन को, इसीलिए ये पॉलिटिकल कॉर्पोरेट जमातें हैं और करप्शन के ये गार्ड हैं, क्योंकि उसको ये प्रोटेक्ट करता है जी। आप निकाल दें ना आपको कुछ, ना आपको कोई एविडेंस मिलता है, ना आपको पार्लियामेंट कुछ कर सकता है, ना आपका कोई धारा कुछ कर सकता है। बिल्कुल, देखिए मुझे तो ये कल के रोजे रोशन की तरफ जितना याद है कि जब जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क में पार्लियामानी निजाम लाया जी, उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह पॉलिटिकल पंडित को या उस वक्त जो मुक्तदर लोग जो सोचने वाले हैं उनको पता है कि वो इसलिए लाया था कि वो तायात वजीर आजम रहना चाहता था। ये एक ऐसा निजाम है कि जिसके अंदर आप जो मर्जी है कर लें, बिल्कुल, आप जो है ना वो 100 साल तक मरते दम तक कब्र तक जाते तक आप जो है वजीर आजम बन सकते हैं जी। और अगर ज़ियाउल हक़ ने उसमें तब्दीली की थी कि नहीं जी आप 2 दफा रह सकते हैं, इन्होंने आके फिर उसको तब्दील कर दिया। इन्होंने ये कौन सा कोई 73 का आईन है, इसमें 18वीं तरमीन के बाद तो ये बिल्कुल नया आईन आ गया और उसको मसख करके रख दिया गया। अगर एक निजाम नहीं चल रहा, लोगों को हक हासिल है ना जी कि वो अपने नुमाइंदे जो है ना वो डायरेक्ट इलेक्ट करें। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आज पाकिस्तान के अंदर अगर डायरेक्ट एडल्ट फ्रेंचाइज हो और पाकिस्तान के लोगों को ये कहा जाए कि जनाब अली आप अलफ बे ते से को अपना सदर जो है वो चुने, मुझे कोई बताए जरदारी सदर बन जाएगा, फजलुर रहमान बन जाएगा, महमूद खान अचकज़ई बन जाएगा, अब तो शायद इमरान खान साहब को भी बहुत मेहनत करनी पड़े, बहुत मेहनत करनी पड़े। तो मतलब ये कहने का ये है कि वो उनके शक्ल जो उनकी जंजीरें टूटेगी, ये जो इनका वडेराइज्म है और जो पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन है, यही लोग लोग आगे एक आदमी जाके डायरेक्ट इलेक्ट करेगा जब, बिल्कुल, और जो वो मुल्क चलाएगा जो देखिए, और सूबे ज्यादा हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सूबे ज्यादा हो, प्रोग्राम हमें करेंगे, बिल्कुल, ये बड़ा जरूरी है। जब आपको रास्ता जो है वो दलदल की तरफ ले जा रहा हो, अंधेरे की तरफ ले जा रहा हो, खाई में ले जा रहा हो, तो क्या आपको अपना रास्ता बदली नहीं करना चाहिए? बिल्कुल सर, रजा साहब, अदरवाइज इनसे तो आपकी सारी उम्र जान नहीं जा। से नो टू करप्शन, क्या मतलब? ये तो आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहे मतलब रोको मत, जाने दो। इसका तर्जुमा आप अपनी सहूलत के मुताबिक कर सकते हैं। तो अभी जैसे टीपू सुल्तान साहब ने बात की, मेरा भी दिमाग और आपने भी जैसे बात की कि वो से नो टू करप्शन 10% या 100% हो गया। सर जी, आप माशाल्लाह मिड एज में हैं, आपके बुजुर्ग हैं, आपके बच्चे भी हैं, आप एक बेस्ट पोजिशन पे खड़े हैं, एक आइडियल लोकेशन पे खड़े हैं, जहाँ आप अपने पास्ट को भी देख रहे हैं, जहाँ आप अपने फ्यूचर को भी देख रहे हैं। इन दोनों चीज़ों को जब आप एनालाइज करते हैं तो आप पाकिस्तान को कहाँ खड़ा होता दिखते हैं इस वक्त? सर, पाकिस्तान इस वक्त हमने जो यानी ग्रो किया, मतलब सियासी और माशी लिहाज से लेकर अब तक का जो हमारा पीरियड है, इसमें हमने पॉलिटिकल डेक्लाइन देखी है, हमने इंस्टीट्यूशनल डेक्लाइन देखी है, हमने इकोनॉमिक डेक्लाइन देखी है। अब इन तमाम चीजों के पीछे मेरी नाकिस राय में तो मुझे लगता है कि तालीम सबसे अहम तरीन चीज है कि अगर हम तालीम के ऊपर अपने फोकस को बढ़ाएं तो हमारा हुकुमरानी का जो निजाम है वो आहिस्ता आहिस्ता उसको शायद चैलेंज किया जा सके। 2% आप जीडीपी है, जब आप तालीम पे खर्च करेंगे तो तालीम पे तो कुछ नहीं हो सकता, और फिर जब आप उसमें दानिश स्कूल और आशियाना और ये इस किस्म के जब स्कूल बनाएंगे और गो स्कूल बनाएंगे और पैसे जो है वहां पे आप जो खर्च करेंगे वो अपनी जेबों में डालेंगे, तो तालीम तो यार तालीम में कुछ नहीं होने। एचईसी का बजट आधा कर दिया सर जी, खत्म हो गया है। मैं तालीम का तो वो हाल है, ये तो समझ में आ रहा है, 400-500 स्टूडेंट पे एक पीएचडी डॉक्टर नहीं है, फैकल्टीज पूरी नहीं है, यूनिवर्सिटी में इतना बुरा हाल है कि वहां पे जो एक रिकमेंडेड फैकल्टी है मैंडेटरी फैकल्टी नहीं है, रिकमेंडेड तो अब छोड़ ही दीजिए। हमारी तालीम जो है वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए दस्तयाब है कि जो पैसा खर्च कर सकते, पैसा खर्च कर बाहर चले। इसका मतलब ये है कि इस मुल्क का जो आम शहरी है जी, जो प्राइवेट महरूम हो गया, जो प्राइवेट एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके तो बच्चों का भी मुस्तकबिल लिख दिया गया, मुकद्दर लिख दिया गया ऐसी रोशनाई से कि जो पढ़ी ना जा सके, पढ़ी ना जा सके, बिल्कुल। तो ये क्या कर रहे हैं? तालीम अशद जरूरी है जी। एक चीज होती है उसको कहते हैं तरबियत, तरबियत, बिल्कुल, करेक्टर बिल्डिंग, करेक्टर और तरबियत के मामले में मैं आपको ये बताऊं, ये एक ऐसी रूहानी चीज है जी, मैं कहता हूं सुभान अल्लाह कि एक अनपढ़ आदमी अच्छा तरबियत याता हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जिसको खानदान ने या उसके पास पैसे ना होते हो कि वो जाके स्कूल में एचएसएन में पढ़े या कहां, लेकिन उसकी माँ इतनी
उत्तम हो, उसका बाप इतना हो, उसका खानदान, उसकी मस्जिद, उसका माशरा इतना हो कि वो बेहतरीन इंसान ला के माशरे को दे दे, चाहे वो मजदूरी करे, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो सिपाही बने। बिल्कुल सही है। मैंने जो निजाम जिससे मैं आया हूँ फौज से, मैंने ये देखा है कि वहां पे जब ऑफिसर इंडक्ट होते हैं तो कई दफा बाहर के पड़े हुए लड़के, HSN के पड़े हुए लड़के, घोड़ा गली के पड़े हुए लड़के, हसब दाल के, वो फेल हो जाएंगे। लेकिन एक उर्दू स्कूल से आया हुआ आदमी, हमने उसको एनालाइज किया जी कि ये क्या मामला है। ठीक। हमें ये समझ आई कि तरबियत जो है ना जी, वो लाजमी चीज, दैट मेक्स योर कैरेक्टर। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और तरबियत इतनी ज्यादा मिसिंग हो गई है, मिसिंग हो गई। आप अपना बचपन याद करें, आप करें, मैं करूं जी। हमें घर वाले जो है वो सच्चाई और झूठ में फर्क बताते थे, और चीज और असलाफ आपके क्या होना चाहिए, आपका माशरे में बिहेवियर क्या होना चाहिए, आपको सच बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह, सारा चीज, मुश्किल में घबराना नहीं चाहिए, ये सारी चीज हमने कहा। आजकल तो बच्चे को आप जो है कार लेके जाती है जी, स्कूल कार, वहां पर आके स्कूल के सामने चले, वो सारे जितने बच्चे, डिस्क्रिमिनेशन, वो भी डिस्क्रिमिनेशन होती है, कौन किस गाड़ी में आया है, उसके बाद लंच बॉक्स कौन सा है, उसके बाद बैग कौन सा है, बैग कौन सा है। तो मैं जब एक अटैक हेलीकॉप्टर ब्रिगेड कमांड कर रहा था, तो यंग ऑफिसर्स जो है ना वो कोर्स के लिए आए, तो मैंने जब उनसे पूछा, किसी के FSC में 90% 80-85% नंबर, लेकिन थोड़े से मैंने देखा कि स्ट्रीट स्मार्ट जी वो नहीं। तो मैंने GHQ से कहा, मुझे जरा थोड़ा मौका दे दीजिएगा, 6 हफ्ते बाद मैं कोर्स चलाऊं, जरा मैं इनके साथ घूमूं फिरूं, PT करूं, इनको जो है ट्रेनिंग एरिया में ले लूं, फिर इनको फॉर्मल ट्रेनिंग, हालांकि वो PMA से आए थे, पर बेटर देन अदर, बट आई थॉट कि वो शार्पनेस जो है ना वो इनको जरूरत है फर्दर। तो तरबियत की जरूरत है, तरबियत बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, जो हमारे माशरे में बिल्कुल खत्म होती जा रही है। देखिए तरबियत कैसी होगी जब आप अप्रूव करेंगे जरदारी एज योर लीडर, जब आप अप्रूव करेंगे शरीफ फैमिली का एज योर लीडर, जब जो मर्जी पाकिस्तान के खिलाफ बात कर दे मीडिया का, और इवन दैट जब आप बिजली के बिल जला रहे होंगे कंटेनर पे खड़े होंगे, जब लोगों को तरगीब दे रहे होंगे। और दूसरा ये कि DGISPR ने तो कह दिया कि मीडिया अगर होता तो ये होता, आप मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ अक्रॉस दी बोर्ड, क्या इस मीडिया में मीडिया ने पाकिस्तान का केस बनाया, मेड अ केस फॉर पाकिस्तान और मेड अ केस फॉर इंडिविजुअलिज्म इन द मीडिया, और हमारी जो सोच है, प्रमोशन है, जो फिक्री, जो फिक्री बदउनवानी है ना जी, जिसको इंटेलेक्चुअल करप्शन कहते हैं, बिल्कुल, जो कि मीडिया के अंदर है बाय द वे, वो पैसे के करप्शन से ज्यादा डैमेजिंग है जी, बिल्कुल। तो आप फिक्री बदउनवानी को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ लगेगा, इंसान साजी, जहन साजी से हम चले गए तन साजी की तरफ, पैसे साजी की तरफ, ठीक है जी, IQ से चले गए हम QI क्वेश्चनेबल इंटेलिजेंस की तरफ। तो सर मतलब हम दिन ब दिन जब हम अपने इर्द गिर्द बाहर जाते हैं ना, यकीन करें बाहर के मुल्क जाने को दिल नहीं करता, दिल जलता है उन, इसलिए कि हम वहीं पे वहीं खड़े हैं जो 50 साल पहले थे, किसी चीज़ में कोई फर्क नहीं आया, ज़हनी तौर पे हम तरक्की नहीं कर पा सके, माली तौर पे बेशक हम तरक्की कर गए हैं, पैसे हमारे लोगों के पास आ गए हैं, गाड़ियाँ हमारे पास आ गई हैं, लेकिन ज़हनी पस्ती हमारी रह गई। देखिए जनाब, ये तो इसका जवाब तो तारीख में मिलेगा आपको, तारीख उठा के देख लीजिए दुनिया के तमाम खित्तों की, इस खित्ते की जिसमें हमारा आप रहते हैं, आपके पास आज़ादी है, 72 साल हो गए इस आज़ादी को, इस आज़ादी को लेकर आपने अपनी प्रायोरिटीज क्या तय की हैं और किस सिमत में आप आगे बढ़े हैं, ये ही चीज़ डिटरमिन करेगी कि आपका फ्यूचर क्या होगा। ये बेशक दुनिया के अंदर नॉर्म्स बदल गए हैं, लेकिन सर अब तो हम तो हमारे पास लेबोरेटरी नहीं है, पैमाना नहीं है। सबसे बड़ी मिसाल तो सलजुकों की है ना जी, जी बिल्कुल। सबसे बड़ी मिसाल तो वो है कि ये इमरान खान साहब जो बात करते हैं, देखिए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों में करेक्टर डाला, उनमें एक असलाफ डाले, उनकी तरबियत की, तो दुनिया पे आ भी हो गए। बिल्कुल। वो जब आगे चलते गए तो अरब जब कमजोर हुए, उन्होंने सेंट्रल एशिया के लोग अपनी फौज में रखे जो इस्लामिक लोग थे, सलजूक थे, उन्होंने जब देखा कि इनमें तो कोई दम जान नहीं है, तो ऑटोमन एम्पायर बन गया, बन गया, और तुर्की जो है वो काबज हो गया यूरोप पे भी। उन्होंने कोशिश की दूसरी जंग अजीम के बाद 1919 में सारी दुनिया ने अटैक किया, लेकिन तुर्कों ने क्या उनका मुकाबला किया। बिल्कुल, कौम है ना, कौम है, बिल्कुल। तो अब आप देखिए कि पाकिस्तान जो है वो 72 साल हो गए आजादी को,
लेकिन अब आपकी आजादी कॉम्प्रोमाइज इस सतह तक हो चुकी है कि अब IMF आपको बता रहे हैं कि बता रहे कि आपने कैसे जीने हैं, आपने रहना कैसे है, आपका रहन सहन कैसे होगा, आपकी टैक्सेशन कैसे होगी। अब आप फाइनेंशियली तो आप गुलाम हो गए, गुलाम हो गए बिल्कुल। आप जो फाइनेंशियली गुलाम हो गया वो जहनी भी गुलाम हो गया, जिस्मानी भी गुलाम हो गया, गुलाम नहीं है लेकिन फाइनेंशियली, और जैसे आप फरमा रहे हैं कि सियासी तौर पर फिक्री तौर पे आप गुलाम बन चुके हैं दोबारा से। बिल्कुल बिल्कुल रजा सैयद साहब, टीपू सुल्तान साहब, आपका प्रोग्राम में शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कि अब हमारा जो जहन है या हमारी जो समत है हमारी मईशत की या सियासत की, वो बैरूनी ताकतें तय करेंगी, चाहे वो फाइनेंशियल पावर दें और चाहे वो कोई दूसरी ताकतें हैं। हम जब तक अपने अंदर खुद ये पैदा नहीं करेंगे, अपनी शख्सियत को खुद उजागर नहीं करेंगे, अपने आप को खुद नहीं समझेंगे और ये गलतियों पे गलतियां करते जाएंगे, जिस तरह हुकूमतें गलतियों पे गलतियां कर रही हैं और गलतियां दूसरों पे डाल रहे हैं और दूसरों पे गुनाहों पे अपनी सवाब की इमारत खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो माशरा कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। बुनियादी जो सवाल है वो ये है कि आप अपनी कौम की तालीम और तरबियत में क्या किरदार अदा कर सकते हैं, हुक्मरानों को ये आज सोचना चाहिए। आज का प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान नईम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।